तो दोस्तों आप सब कैसे होंगे, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। ये है ट्राम। जी हाँ, एक समय था जब ये बहुत ही तेज़ी से मुंबई के सड़कों पर चला करता था और ये अंग्रेजों के समय चलता था। तो ये जो ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका है, जो मुंबई के बीएमसी है, उसने यहाँ पर लोगों को यादगार के लिए बनाया है। ये ट्राम कहाँ पर है मैं आपको बता दूँ, ये भाटिया गार्डन में है। भाटिया गार्डन कहाँ है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आपके सीएसटी स्टेशन के पास ही आपको भाटिया गार्डन मिल जाएगा। उसी भाटिया गार्डन में ये ट्राम अवेलेबल है। अभी भी ये शायद कोलकाता में चलते हैं। और ये अंग्रेजों का और उन्हीं का कॉन्सेप्ट था, जो एक समय था जब ये मुंबई के सड़कों पर ये दौड़ा करता था। तो ये इसका जो हाल में ही यहाँ पर ये बना है, पिछले शायद 2021 के फरवरी मंथ में ही इसकी लॉन्चिंग यहाँ पर किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये हमारा प्यारा सा चर्चगेट सीएसटी स्टेशन है और इस स्टेशन का ये नज़ारा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षाकर्मी रहते हैं, इसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन होता है यहाँ पर इस सीएसटी महानगर पालिका जो बीएमसी का जो कार्यालय है उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ करता है, आंदोलन हुआ करता है। लोग अपनी मांगें पूरी कराने के लिए यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा जो रहती है यहाँ पर 24 घंटे रहती है। यहाँ पर जो पुलिस के जो और भी जो सेना के लोग रहते हैं यहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहते हैं। तो ये है मुंबई के मेन सिटी, जिसे हम चर्च गेट कहते हैं, जिसे हम सीएसटी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, जिसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं, ये वही है। जिसे हम फोर्ट कहते हैं, टाउन कहते हैं हम मुंबई वासी, तो यही है मुंबई का मेन सिटी सीएसटी। तो यहाँ पर घूमने के लिए आप आ सकते हैं, कभी भी आइए, कोई भी मंथ कोई भी ईयर में आप आइए, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी सीज़न में आ सकते हैं, कोई भी मंथ में आ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर घूमने के लिए, चाहे बारिश में आए, चाहे आप ठंडी है, चाहे गर्मी में आए। तो मुंबई में लोग बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की सड़कें खचाखच भरी रहती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और आपको बता दूँ यहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं चलता, यहाँ पर जो ब्लैक वाली टैक्सी है यहीं पर ये चलती है। और ये शुरू हो जाता है यहाँ पर, अब बहुत ही अच्छा लगता है इसमें घूमना फिरना। तो आप इजली आप इस सीएसटी स्टेशन से उतरकर आप बीएमसी कार्यालय घूम सकते हैं, आप बॉम्बे घूम सकते हैं, आप मनीष मार्केट जा सकते हैं, आप गेट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, आप जो अंग्रेजों की बनाई हुई पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम दिखा रहे हैं कि मुंबई की सड़कों पर गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, यहाँ पर कैसे चलते हैं लोग, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको और भी सारी चीज़ें दिखाएंगे, आपको और भी मुंबई का सफ़र कराएंगे, आपको और भी सारे वीडियोस लेकर आएंगे ढेर सारे। तो ये है हमारी मुंबई नगरी, माया नगरी, जो कभी सोती नहीं है। और यहाँ पर 24 आवर्स लोग काम करते हैं और मुंबई एक सपनों की नगरी है। तो बस भाई आओ, मज़े करो यहाँ पर, बढ़िया से घूमो और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मुंबई नगरी है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा इसे पसंद करते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और हर महीना, हर चाहे आप कोई भी सीज़न हो, यहाँ पर लोग सफ़र करने के लिए आते हैं। तो मुंबई की सड़कें बहुत ही अच्छा, यहाँ पर वेल मेंटेन है। जो बीएमसी है वह इसे बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। जो कहते हैं कि जो रोड, जो सड़क परिवहन है, इसे बहुत अच्छे से सही करता है, अच्छा रखता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी प्यारा प्यारा नज़ारा है आपके चर्च के स्टेशन का, रेलवे का जो मेन कार्यालय, सेंट्रल रेलवे का मेन कार्यालय है, उसका ये नज़ारा है। तो ये जो मैंने वीडियो शूट किया हुआ था, ये अगस्त के महीने 2021 को मैंने इसे शूट किया हुआ था। और ये मेरे ध्यान में था ही नहीं इसे अपलोड करना, तो मैं फिर एक डाटा सर्च करने लगा तो मुझे ये मिला, तो मैंने बोला चलो इसे अपलोड किया जाए, इसे दिखाया जाए। तो यही है चर्च के स्टेशन, जो काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छा, बेस्ट, जो अंग्रेजों के द्वारा एक बनाया गया था। और यही है, तो ये है आज़ाद मैदान की तरफ, प्रेस क्लब की तरफ जाने वाला सड़क। और हमारे राइट साइड में है बीएमसी का कार्यालय। और इसी जो ये स्ट्रीट कॉर्नर है, ये स्ट्रीट गली है, खाऊ गली है सीएसटी का। और इसी के आप सीधा जाएंगे तो आपको आज़ाद मैदान दिखेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। और इसी के आगे प्रेस क्लब है, और इसी के आगे सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो ये दो लोग देख रहे हैं आप, यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, जो कोली समाज के लोग थे, धरना प्रदर्शन करने आए थे, अपनी मांगों के लिए लेकर आए थे। जी
जो बिल्डिंग्स हैं वो अंग्रेज़ों ने बनाई है यहाँ पर, और उनकी इकोनॉमिक सिटी थी, इकोनॉमिक हब था, और मुंबई से हर एक चीज़ ऑर्डर दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें की जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। जो सबसे ज़्यादा अगर बिल्डिंग्स अगर उन्होंने बनाई तो मुंबई में बनाई है, दिल्ली में बनाई है। तो ये सब कोली समाज के लोग हैं जो फिश की बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं यहाँ पर मुंबई में, और जो समुद्र से मछलियाँ निकालते हैं, बेचते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी आइएगा घूमने के लिए, आपको CST चाहे चर्च गेट हो, चाहे बॉम्बे का कोई भी कोना हो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हर सीज़न में, हर एक वक्त में आप आइए घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी को स्ट्रीट फूड्स के वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद हो तो हमारा और एक चैनल है क्रेजी फूड रेंजर, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसे सर्च करिएगा क्रेजी फूड रेंजर, आपको मुंबई के हर एक आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा। यहाँ पर आपको खाने के लिए वड़ा पाव मिल जाएगा, यहाँ पर खाने के लिए आपको मिसल पाव, उसल पाव, आपको कटलेस, ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। और यहीं पर ही काला खट्टा करके बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, जो बहुत लोग इसे पीते हैं। आपको कैसा लगा CST, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बहुत ही हमें एक हौसला मिलेगा जब आप एक कमेंट्स करेंगे, जब आप लाइक करेंगे। तो हम अब जा रहे हैं FS मार्केट की तरफ, हम जा रहे हैं चर्च गेट की तरफ, और यही जो सड़क है जो चर्च गेट की तरफ जाता है, लोग पैदल यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से काफ़ी पास ही है, करीबन 10 से 15 मिनट का पैदल वॉक करके आप जाएंगे तो आपको चर्च गेट स्टेशन मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा लगा CST, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हम और सारे ढेर सारे अलग अलग जगह के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम किसी और एक नए सफ़र के साथ, मिलेंगे फिर से हम इसी चैनल पर ऑन द वे। और हाँ, अगर आपको स्ट्रीट फूड्स की वीडियो बहुत पसंद है कि यहाँ पर क्या मिलते हैं मुंबई में, तो आप हमारे चैनल क्रेजी फूड रेंजर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए दोस्तों, शुक्रिया।